बरेली में पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बरेली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नवाबगंज के पर्यवेक्षण में थाना हाफिजगंज पुलिस द्वारा बैगुल नदी पुल के पास बृहद ग्राम भंडसर में चेकिंग के दौरान गौ तस्करों से हुई आमने सामने की फायरिंग मुठभेड़ में आरक्षी 2649 बॉबी कुमार घायल हो गया तथा दो अभियुक्त एक मोहसिन पुत्र साबिर दूसरा राशिद पुत्र साबिर निवासी मोहल्ला पहलवान कस्बा सैथल थाना हाफिजगंज बरेली घायल हो गए तथा अन्य तीन अभियुक्त रात के अंधेरे व भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे जिनकी तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। पुलिस द्वारा घायल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है तथा अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 16 फरवरी 2023 को तड़के भोर में थाना प्रभारी क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल के लिए गश्त कर रहे थे, तभी बैगुल नदी के किनारे उनको कुछ गौकशों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर जब वो मौके पर पहुंचे तो कुछ गौकशों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। पुलिस पार्टी के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की, उसके कारण जो है दो बदमाशों को गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही बॉबी कुमार भी घायल हुआ है। जो घायल अपराधी हैं ये थाना हाफिजगंज के सातिर गौ तस्कर हैं, जिनका नाम मोहसिन और राशिद है। ये कस्बा सैथल क्षेत्र के थाना हाफिजगंज के ही रहने वाले हैं और इनके ऊपर गौकशी तथा अन्य धाराओं में लगभग आधा आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। तीनों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। दोनों अपराधियों से कट्टा और कार्ट्रिजेस तथा गोकसी के सामान बरामद हुए हैं। शेष आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।